Hey guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh और आप जुड़े हुए हैं Smart Learning Academy चैनल के साथ। तो मैं आपको बता दूं, Smart Learning Academy आपके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स आपके बेटरमेंट प्रिपरेशन के लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, Smart Learning Academy लेके आया है कई सारे क्रैश कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टिप सीरीज। सो लॉट्स ऑफ सीरीज आर देयर, सो वी आर गोइंग टू ऐड वन बाई वन वीडियोज और वी आर गोइंग टू टेक लाइव सेशंस इन दो सीरीज फर्दर इन नेक्स्ट सम वीक्स और सम मंथ्स। सो यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं कि आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के साथ, तो ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। क्रैश कोर्स में ध्यान रखे रहिएगा कि हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलता है, 10 बजे जनरली लाइव किया जाता है वो एक वीडियो। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको, और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं ताकि 10 बजे जब भी वो वीडियो अपलोड होता है आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकें। ये क्रैश कोर्स आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करता हूं। इसके कई सारे मॉडल दिए गए हैं। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री सेलेक्टिवली परमिएबल, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मेम्ब्रेन। पोटेंशियल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज -20 मिलीवोल्ट इज द इलेक्ट्रिकली मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एंड कई सारे मॉडल है, ओवरटन, ग्रॉटर, ग्रेंडल, डैनी डेविडसन, रॉबर्टसन, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड या मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, दैट इज द सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, जिसको बोला जाता है फ्लूइड मोजैक मॉडल। क्या बोला जाता है इस मॉडल को? बोला जाता है फ्लूइड मोजैक मॉडल। मतलब कि एक नदी है, उस नदी में जिस तरीके से क्या होता है, मोजैक, फ्लूइड में मोजैक तैरते रहते हैं, ठीक है, फ्लूइड मोजैक मॉडल। जैसे देखने की कोशिश करिएगा क्या होता है कि अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये कुछ तैरते हुए प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ इम्बेडेड होते हैं और कुछ तैरते हुए पाए जाते हैं। जो इम्बेडेड होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, एंड जो तैरते हुए पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक और पेरीफेरल प्रोटीन। क्या बोला जाता है? पेरीफेरल प्रोटीन बोला जाता है। इज इट क्लियर? तो ये आपकी चीजें बोली जाती है यहाँ पे, पेरिफेरल प्रोटीन। नाउ ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड होता है। ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक साइड सेल से दूसरी साइड सेल में, वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू होते हैं। ट्रांसपोर्ट बेसिकली जो होते हैं वो इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो भी प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू होते हैं। एक चीज याद रख रहिएगा, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे जो आयंस होते हैं वो आउटसाइड द सेल जो होते हैं हाई होते हैं, सिर्फ पोटेशियम जो होता है वो इनसाइड हाई होता है, ठीक है, इनसाइड हाई होता है। बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो आउटसाइड हाई होते हैं, जितने भी आयंस होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं उसके लिए फ्लूडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फ्लूडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करूं, सो कई सारे जो होते हैं एनिमल्स या कई सारे सेल्स डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग फ्लूडिटी शो करते हैं। वो फ्लूडिटी जो शो किया जाता है वो एक्चुअली किया जाता है लिपिड मॉलिक्यूल से। क्या किया जाता है? लिपिड मॉलिक्यूल से। सो याद रखे रहेगा, फ्लूडिटी इज inversely proportional to the stability, which is directly proportional to the melting point. याद रखिएगा, that is what, जितना ज्यादा rigidity होगी, rigidity उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा उसका stability होगा, जितना stable होगा उतना ही rigid होगा और उतना ही उसकी melting point ज्यादा होगा। ये part जो है वो rigidity के लिए है और यही inversely proportional होता है किससे? Fluidity के। तो इसके लिए बस याद रखिए, fluidity ज्यादा कब होती है, फ्लूडिटी ज्यादा कब होता है वो देखिए, जब स्फिंगोलिपिड हो, जब टेम्परेचर ज्यादा हो, जब अनसेचुरेशन ज्यादा हो, जब सिस ज्यादा हो। सॉरी, अगेन देखिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन जब कम हो, जब स्फिंगो ज्यादा हो तब फ्लूडिटी कम होगा। स्फिंगो जब ज्यादा हो, ठीक है, स्फिंगो जब ज्यादा होगा तो कम होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, सो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए तब फ्लूडिटी कम होगा, या अनसेचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए तब आपका अनसेचुरेशन अगर ज्यादा है तो
तो फ्लूडिटी कम होगा, या सिस कॉन्फ़िगरेशन है तो फ्लूडिटी कम होगा। ये सारी चीजें आपने फ्लूडिटी कम के लिए है, नंबर ऑफ जो है फ्लूडिटी जो होगा, सॉरी ये जो मैं बोल रहा हूं वो फ्लूडिटी ज्यादा के लिए बोल रहा हूं, इट विल बी फ्लूडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर ऑफ कम, जो नंबर ऑफ कार्बन कम होगा तो फ्लूडिटी ज्यादा होगा। ये सारे के सारे किसके लिए है? फॉर फ्लूडिटी मोर, ठीक है, फ्लूडिटी मोर के लिए है। फ्लूडिटी मोर, फ्लूडिटी मोर के लिए कार्बन कम होना चाहिए, स्फिंगोलिपिड ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, अनसेचुरेशन ज्यादा होना चाहिए, सिस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होना चाहिए, दैट इज फॉर द मोर फ्लूडिटी। इज इट क्लियर? जितना ज्यादा फ्लूडिटी चाहिए उतना ही कार्बन कम, स्फिंगो ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, अनसेचुरेशन ज्यादा, सिस ज्यादा, ये सारी चीजें होती है फ्लूडिटी को इंक्रीज करने के लिए। दीज आर द पैरामीटर्स टू इंक्रीज द फ्लूडिटी। नाउ फ्लूडिटी को इंक्रीज करने के लिए सारी चीजें चाहिए, यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर ये ऑर्गेनिज्म की बात समझ जाइएगा तो बाकी समझ में आ जाएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है 0 to 5 टेम्परेचर पे रह रहा है, अगर 0 to 5 टेम्परेचर पे है, मतलब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है यहाँ पे लो है। जब टेम्परेचर लो है तो इसकी फ्लूडिटी क्या होगी, फ्लूडिटी ज्यादा होगी, फ्लूडिटी जो होगी कम होगी, क्या होगी, फ्लूडिटी लो होगा, नॉट ज्यादा, फ्लूडिटी लो होगा। टेम्परेचर लो तो फ्लूडिटी लो, अब फ्लूडिटी होगा तो इसको छोड़ के टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो कोल्डर रीजन में रह रहे हैं वहां टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अदर फैक्टर को इंक्रीज करके आप बढ़ा सकते हो। जैसे क्या फैक्टर इंक्रीज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया नंबर ऑफ कार्बन के बारे में, स्फिंगोलिपिड के बारे में बताया, यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बताया, अनसेचुरेशन सिस के बारे में बताया। सो ये टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं सकते, बाकी चीजों के लिए कार्बन को कम कर दीजिए, शॉर्टर कर दीजिए, अनसेचुरेशन बढ़ा दीजिए, सिस ले आइए, इन सब चीजों की वजह से आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करा दीजिएगा उसकी फ्लूइडिटी को। इज इट क्लियर? इसी तरीके से प्लांट में होता है, प्लांट अगर कोल्ड या चिलिंग रेजिस्टेंस है तो इस तरीके से मूव कर सकते हैं। एसिमेट्री ऑफ द बाइलेयर की जैसा कि मैंने बात किया, एक छोटी सी चीज आती है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो एसिमेट्री की पार्ट आती है, यहाँ पे एसिमेट्री की बात आती है कि एसिमेट्री कैसे मेंटेन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यहाँ पे दैट इज व्हाट साइटोसोलिक नॉन साइटोसोलिक रीजन पे होता है। साइटोसोलिक रीजन पे जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है क्या, सबसे ज्यादा होता है पीटीएस होता है सबसे ज्यादा साइटोसोलिक रीजन पे, साइटोसोलिक रीजन पे पीटीएस होता है ज्यादा, और नॉन साइटोसोलिक रीजन पे पीटीएस जो होता है वो कम होता है। अब यही पीटीएस, इसको बोला जाता है फॉस्फोटिडाइल सेरीन, क्या बोला जाता है, फॉस्फोटिडाइल सेरीन, इसको बोला जाता है फॉस्फोटिडाइल सेरीन, फॉस्फोटिडाइल सेरीन बोला जाता है। फॉस्फोटिडाइल सेरीन जो होता है ये अगर नॉर्मल सेल में होता है तो साइटोसोलिक में ज्यादा होता है, और अगर एपोप्टोटिक सेल में होता है तो नॉन साइटोसोलिक यानी कि बाहर की तरफ ज्यादा होता है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि ये जो कोई भी सेल एपोप्टोसिस में जा रहा है या वो नॉर्मल सेल है। अगर ये पीटीएस जो है साइटोसोलिक में ज्यादा है तो वो नॉर्मल सेल है, अगर बाहर की तरफ ज्यादा है, नॉन साइटोसोलिक की तरफ ज्यादा है, तो ये क्या है, दैट इज व्हाट द एपोप्टोटिक सेल। साइटोसोलिक और नॉन साइटोसोलिक तो क्लियर है ना, कि एक सेल है, सेल के अंदर वाला साइड साइटोसोलिक होता है, साइटोसोल वाला साइड होता है, बाहर वाला साइड जो होता है नॉन साइटोसोलिक होता है, ठीक है। नाउ लिपिड राफ्ट के बारे में बात करते हैं, लिपिड राफ्ट कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड को लेके बनता है, ये आपस में ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड को लेके बनता है। इन जनरल कोलेस्ट्रॉल 2 होता है, स्फिंगोलिपिड 1 होता है, बट इन जनरल नॉट ऑलवेज ये 2 और 1 होते हैं, ये आपके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक राफ्ट, एक डोमेन बना देते हैं जिसको बोलते हैं लिपिड राफ्ट। नाउ अब आते हैं कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि खासकर लिपिड लिंक प्रोटीन में नॉन साइटोसोलिक रीजन। नॉन साइटोसोलिक का मतलब क्या है, बाहर की तरफ जो होते हैं, या साइटोसोलिक, नॉन साइटोसोलिक जो होते हैं वो जीपीआई लिंक होते हैं, जैसे पीआरपीसी या एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। साइटोसोलिक में 2 होते हैं, प्रीनाइलेटेड एंड फैटी एसाइलेटेड। प्रीनाइलेटेड का एग्जाम्पल है रैस प्रोटीन, जो कि बाइंड करता है थायो एस्टर बॉन्ड से, किससे बाइंड करेगा, थायो एस्टर बॉन्ड से बाइंड करेगा। नाउ उसके बाद देखिएगा कि फैटी एसाइलेटेड में बात करेंगे पामिटिक एसिड, ठीक है, पामिटिक एसिड या मिरिस्टिक एसिड। पामिटिक में जो होता है रैस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, दैट इज द एसआरसी। फैटी एसाइलेटेड जो होते हैं, यहाँ पे 2 चीजें होती है, प्रीनाइलेटेड एंड फैटी एसाइलेटेड की बात करते हैं। सो जीरेनिल आता है एंड फार्नेसिल आता है, जो कि प्रीनाइलेटेड में आते हैं 2 पार्ट। नाउ पेरिफेरल की बात करें,
ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरल प्रोटीन में स्पेक्ट्रीन होते हैं, एंकाइरिन होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन में जो सिंगल पास हो सकते हैं, मल्टीपल पास हो सकते हैं। सिंगल पास इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? अब इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब जो कि एक मेम्ब्रेन से कितनी बार पास हुए हैं। एक बार हुआ तो उसको बोलते हैं सिंगल, अगर दो बार हुआ जैसे कि इस तरीके से हुआ एक और दो, एक बार दो बार, तो इसको बोलते हैं डबल, या इस तरीके से जितनी बार हो रहा है उतना मल्टीपल पास हो सकता है। सो सिंगल पास मतलब एक बार हो रहा है, इसका एग्जाम्पल होता है ग्लाइकोफोरिन। और मल्टीपल पास में कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे बैंड थ्री और जैसे जीपीसीआर। अब देखिएगा कि इसमें इवन पास और ऑड पास का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर जो नंबर ऑफ पास इवन होगा, नंबर ऑफ पास इवन होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, ये क्या दिखाया जा रहा है 1 2 3 4 जो है, अगर इवन है तो यहाँ पे एन और सी टर्मिनल दोनों सेम साइड में आएंगे, सेम साइड में आएगा एन और सी टर्मिनल। एग्जांपल है इसका बैंड थ्री प्रोटीन जिसमें कि 12 पास होते हैं, ठीक है। और दूसरा है जीपीसीआर जिसमें कि 7 पास होता है। अगर यहाँ पे मैंने 5 की तरह एग्जाम्पल देखिए, तो जब ऑड है, जब ऑड है तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों अपोजिट साइड आता है। सो ऑड और इवन के हिसाब से ये चीजें अपोजिट और सेम साइड आती हैं। ऑड में अपोजिट होगा और इवन में सेम होगा। दिस इज अ ट्रिक टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि कैसे आपको करना है। नाउ अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बाइलेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बाइलेयर के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बाइलेयर, ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, याद रख लीजिएगा। मैं एक बार फिर डिस्कस कर दूंगा इसको, लेकिन बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। नॉन पोलर साइज जो होगा, पहले छोटा साइज जाएगा फिर बड़ा साइज जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं, ये कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज द NUCI, दैट इज वॉट, नॉन पोलर, पोलर, अनचार्ज्ड पोलर, ये सारी चीजें इसको और इजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। NUCI ये क्या है, अनचार्ज्ड है जो कि पोलर है, और स्मॉल लार्ज इस तरीके से चलेगा। ऑर्डर इसको देखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैसे ऑर्डर याद करेंगे, बस कुछ नहीं है, कुछ एग्जांपल अभी दिखा दूंगा, याद करिएगा। ये है NUCI, इसका मतलब है नॉन पोलर। फिर क्या है, इस नॉन पोलर से पहले याद कर लीजिएगा GA, ठीक है। दैट इज व्हाट कोड इज व्हाट, GNUCI, ये कोड है आपका। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे इस कोड को तो बेटर रहेगा। G का मतलब गैस है, गैस सबसे पहले जाएगा, ठीक है। G का मतलब गैस जो होगा वो सबसे पहले जाएगा, गैस सबसे पहले, नॉन पोलर, फिर उसके बाद अनचार्ज्ड पोलर, फिर उसके बाद आ जाएगा चार्ज्ड पोलर, ये आ जाएगा चार्ज्ड पोलर, और उसके बाद आ जाएगा आयंस। ये है कोड, और इनमें ऑब्वियसली बात है दोनों में क्या हो जाएगा, स्मॉलर आएगा फिर लार्जर, फिर स्मॉलर फिर लार्जर, पहले स्मॉलर फिर लार्जर। स्मॉलर जो होगा वो पहले आएगा फिर लार्जर जाएगा, ये दो सब के केस में होगा। अगर दो एक ही नेचर के हैं तो उसमें स्मॉलर वाला पहले जाएगा और लार्जर वाला बाद में जाएगा। दिस इज व्हाट द कोड फॉर द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द आयन, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा उसका ये कोड है। नाउ एक क्वेश्चन कभी कभी आता है जिसको बोलते हैं कि हाइड्रोपैथी प्लॉट रिलेटेड। हाइड्रोपैथी प्लॉट का मतलब होता है, देखिएगा कि अगर एक मेम्ब्रेन है उसमें जो है कि कितनी बार कोई प्रोटीन जो है वो पास हुआ है, इन पर्टिकुलर मेम्ब्रेन कोई प्रोटीन कितनी बार पास हुआ, एक बार हुआ है। जस्ट सपोज दिस इज अ प्रोटीन ए, अगर मैं कहूं कि ये है दूसरा प्रोटीन, ये कितनी बार पास हुआ है, जरा सा बताइए बी को देख के कितनी बार पास हुआ है। बी देखिएगा 1 2 3, तीन बार पास हुआ है बी को देख के आप बता सकते हो। अगर मैं यहीं पे एक और पूछूं प्रोटीन के बारे में, जरा सा देख के बताइएगा ये कितनी बार पास हुआ है, तो ये कितनी बार पास हुआ है, दैट इज व्हाट, इसको देख के बताइए। ये हुआ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये 5 पास है, ये 5 पास है, ये 3 पास है, और ये सिंगल पास है, ठीक है। अब एक आता है हाइड्रोपैथी प्लॉट, वो हाइड्रोपैथी प्लॉट कहता क्या है, हाइड्रोपैथी प्लॉट ये कहता है कि जितना भी नंबर ऑफ हाई पीक्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाई पीक इज इक्वल टू द
नंबर ऑफ पास। इसका ग्राफ आता है, मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा कि जितना हाई पीक होगा, हाई पीक, छोटे पीक्स नहीं, हाई पीक्स जो होंगे उतने ही पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहां पे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कितने पास का ये ग्राफ बनाया मैंने, ये हाइड्रोपैथी प्लॉट बनाया, तो इसमें कितने पास हैं, हाई पीक कितने हैं, यहाँ पे हाई पीक देखो कितने हैं, बताओ जरा सा, हाई पीक, एक हाई पीक, दूसरा हाई पीक, तो कितना पास हो जाएगा, टू पास, टू पास प्रोटीन है। समझ में आ रही बात, ये क्लियर है जी, हाइड्रोपैथी प्लॉट इसी तरीके से समझते हैं। चलिए ये वाला बता दीजिएगा, ठीक है, ये कितने पास का है, सी इस प्रोटीन का बताइए कितना पास है, ये कितने पास का है, एक दो तीन चार पांच छ सात, सेवन पास। सेवन पास किसी प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का एग्जांपल पता है क्या किसी, सेवन पास ट्रांसमेम्ब्रेन, जी बिल्कुल, जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। हे गाइस, होप कि आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो देख के। अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको एक सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो भी इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कंटेंट जो है फ्री प्रोवाइड कर सकूँ और उन लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज को। सो आप लोग भी थोड़ा सा इस पर हेल्प करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि सबको ये चीजें फ्री में अवेलेबल हो सके और वो स्मार्टली अपने एग्जाम के प्रिपेयर कर सके। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। We'll be right back.